शोचनीय स्थिति। उर्दू और हिंदुस्तानी जबान को लेके और बहुत खुशी की बात है कि खुशबीर सिंह शाह साहब हमारे बीच हैं, शायरी कैफी साहब हैं, आप लोग करबला के मुशायरे को आपने बहुत ही ऊंचाइयां दी, मुशायरा बनाया, लखनऊ से मनीष भैया, मनीष शुक्ला जी भी सारे लोग हैं। ये बहुत अच्छा सत्र होने वाला है मैं समझता हूँ आज, और इस सत्र का जो जश्न अदब की ओर से जो नाम दिया गया है वो है हिंदी उर्दू एक जान दो जबान एक हिंदुस्तान। ये एक इसका उन्वान दिया गया है सेशन का रंजीत चौहान और उनके सहयोगियों द्वारा। तो आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर कुछ बातचीत करेंगे। हिंदी से हमारे बीच में आदरणीय अशोक चक्रधर जी और उर्दू से भरत साहब हैं। इसमें मैं सबसे पहले स्पष्ट एक बात ये करना चाहूँगा कि जो भी हिंदी उर्दू के जो विकास क्रम है उसका, हिंदी कैसे बनी, उर्दू कैसे बनी, इसको क्या कहते थे और दोनों किस तरह से मिक्सअप हुआ और तमाम जो पूरी इसके पीछे की राजनीति है और उसका जो पूरा विकास क्रम है, हम लोग उस पर कोई बात नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि उस पर बहुत बातचीत की जा चुकी है और बहुत उसमें से निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं, सार्थक बात की जा चुकी है, तथ्यों के आधार पर बात की जा चुकी है, इसलिए वो बात बहुत अब महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि वो सब लिखित रूप में मौजूद है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, खो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अलीना इतरत जी भी हमारे बीच आ गई, उनका भी स्वागत है सेमिनार में। शबनम साई, शबनम साया भी उनके साथ हैं, उनका भी इस सेशन में स्वागत है। हमारा जो आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसमें है कि इस समय जो हिंदी उर्दू और हिंदुस्तानी का जो पूरा सिनेरियो है समकालीन, बिल्कुल बिल्कुल इस दौर में जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस दौर में हम कुछ भी बोलते हैं तो ये लगता है कि जो है ये शुद्ध बोला कि नहीं बोला, कहीं कोई कमी इसमें ना निकाल दे। आजकल अभी मैं भी देख रहा था, अभी बगल सत्र जो चल रहा था, अब आजकल पहले हम लोग, मैंने ये बात की है, पहले जैसे कहा जाता था तो अब बहुत मैंने ये बात करी है, अब हमारे तरफ लखनऊ में तो दावों में तो इस तरह से अगर कोई बोल दे तो तुरंत टोक देते हैं हमारे यहाँ, तो अब मैंने ये बात की है वाला तो कॉन्सेप्ट की तो जैसे शब्द ही खत्म हो गया। शायरी में अभी बचा है पराठा और जो है मैं तो इसे डिस्कस करता रहता हूँ। तो ये जो एक स्लैंग आया है लैंग्वेज में और हम लोग हिंदी उर्दू दोनों को अलग अलग बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो संयुक्त रूप से कैसे एक साथ सर्वाइव कर रही है, कैसे बच सकती है, इस पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे। मैं सबसे पहले अशोक चक्रधर जी से जानना चाहूँगा कि जो हिंदुस्तानी का जो स्वरूप है, हम अलग से हिंदी उर्दू पे बहुत बात नहीं करेंगे, जो हिंदुस्तानी का स्वरूप जिसकी परिकल्पना पूरी तरह से की गई और आप चूँकि जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे, आप विभाग अध्यक्ष रहे, तो उस दृष्टिकोण से भी मैं जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी एकेडमी का भी गठन हुआ इलाहाबाद में, वो भी पूरा इतिहास आपको पता है, आप जानते हैं कि किन उद्देश्यों के लिए किया गया, हिंदुस्तानी जबान को प्रमोट करने के लिए किया गया, गांधी जी के और डॉक्टर संपूर्णानंद के जो डिस्कशन थे, नई जो हिंदी बन रही थी जिसको आप कार्यालय हिंदी कहते हैं, वो भी जो विवाद था वो भी आपकी नज़र में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग एक जो तिफारका किया जाता है हिंदी और उर्दू का, वो दोनों अलग अलग अपनी जगह एक जो कॉमन एक जो लैंग्वेज चल रही है, बोलचाल की एक जो भाषा चल रही है, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि उसका कहाँ तक एक भविष्य है, क्योंकि अब तो हिंदी उर्दू अलग अलग बचे, इससे बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ चुकी है कि इंग्लिश दोनों को एक साथ करेगी। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर अशोक चक्रधर जी से जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी जबान का भविष्य क्या है हम लोगों के समाज में आज के हिंदुस्तान। जी जी दोस्तों, मैं नीचे से नॉट वर्किंग नीचे ये ले ले सर आप ये तो ये ले ले जी। मैं उस कतार में खड़ा हूँ जानने वालों की, खुद से सवाल करता हूँ
या ज़बानें जुदा जुदा होती हैं और इंसान एक होता है या इंसान अलग अलग होते हैं, दलाल एक होती है। तो जब हम ये फ़र्क करना भूल जाते हैं कि इंसान अलग 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 हैं तो ज़बान अलग अलग होंगी ही होंगी, तो फिर मसला खड़ा हो जाता है। किसी भी देश की किसी भी ज़बान के बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसके लिए अकेले आदमी को दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे आदमी के पास उसके अपने अल्फाज होते हैं, उसके अपने अल्फाज उस गांव से आते हैं जिस गांव से वो आता है, फिर जिस गांव के आदमी से मिलता है उसके अल्फाज मिलते हैं। तो भाषा बिना घुलन मिलनशीलता के कभी विकसित हो ही नहीं जाती। और जब कोई बड़ा भूभाग एक तरह से बोलने लगता है जी, तो वो ज़बान कोई नाम अख्तियार कर लेती है। हिंदी और उर्दू जैसा कि उन्वान रखा गया है, बहुत अच्छा उन्वान है, एक जान है, दो जबान है। और तीसरी बात क्या कही? एक हिंदुस्तान, एक जान, दो जबान, एक हिंदुस्तान, जो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, अभी काफ़ी मिला है ना, बढ़िया है। इसी बात पे तो ख़त्म हुआ था पुराना से। अब देखिए, हिंदुस्तानी के दो मानी यहाँ थे। हिंदुस्तानी एक भारतीय नागरिक के लिए भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी भाषा के लिए कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, तो वो हमारी नागरिकता को रेखांकित करता है। और जब हम कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी में बात करिए, तो वो ज़बान होता है। बहुत सही आपने कहा कि गांधी जी इसी ज़बान के पैरोकार थे। हिंदुस्तानी अकेडमी भी बनी और हमने भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हिंदुस्तानी का एक विशेष पेपर बनाया जी। और इस बात को महसूस करते हुए कि जब भारतवर्ष में देश की भाषा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी, तब जो हिंदी चुनी गई वो हिंदी गांधी जी के इरादों में नहीं जी। गांधी जी के इरादों में वो हिंदी थी जो संस्कृत निष्ठ न होकर जीवन निष्ठ हो, जो ज़िंदगी में बोली जाती है, और जिसमें उर्दू भी है, क्योंकि अब से 100 बरस पहले तक दरबार की भाषा तो फारसी थी, उर्दू थी। मैंने खुद उर्दू अपने नाना से सीखी थी, अलिफ बे पे ते जिम्पे से जिम चे है गे दा दा, ये सब मुझे नाना ने सिखाए थे। तब तक मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में नहीं आया था। इसका मतलब ये कि उर्दू हमारे जीवन में थी, उर्दू हमारे गाँवों में थी, हम बोलते थे जी, पढ़ते थे, उर्दू का अखबार आता था, रिसाले आते थे। तो क्या हुआ कि वो रिसाले आना बंद हो गए या कम हो गए, या एक क्षेत्र ऐसा हो गया कि ये हिंदी वालों का है, ये उर्दू वालों का है, ये विभाजन क्यों होगा? बोलने के वक्त तो हम ऐसा संसार में कहीं है ही नहीं कि दो भाषाएं जिनका एक जैसा व्याकरण, जिनकी एक जैसी शब्दावली, जिनके एक जैसे बोलने वाले, जिनके आमतौर से एक जैसे तलफ्फुज, कहीं खुश हो गए तो हो जाओ तलफ्फुज हो जाते। अब मैं जिंदगी भर ये शिकायत रखूंगा रखने का मुझे हक है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मैं चक्रधर नहीं रहा, चक्रधर साहब रहा जी। कैसे हैं चक्रधर साहब? आप हमारे जलसे में आएंगे सर? जरूर आएंगे। बोले ना ना ना, जरूर मत आइएगा, जरूर रहेंगे, जरूर है। तो ये जो उच्चारण के विभेद हैं इनको छोड़ दीजिए, करी कहा बोला या की बोला, करी आजकल एक करी है और दूसरी करी है वो करी क्रिया नहीं है, करी एक पदार्थ। तो भाषाओं से शिकायत रखने के बजाय अब आप ये देखिए, एक बहुत अच्छा उमदा आंकड़ा, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, फिर अच्छा साहब बोलना बाट बाट के बोलेंगे और ऐसा मत समझिएगा कि मैं हिंदी के बारे में बोलूंगा या उर्दू के बारे में बोलूंगा। ये यही एक सीमा रेखा खींच देना गलत होता है कि मुसलमान है तो उर्दू की बात बात करेगा, हिंदी वाला है तो हिंदी की बात करेगा। मैं तो भी मुसलमान नहीं हूँ, मैं कौन सा हिंदू बैठा हूँ। तो दोस्तों, आज जो बात हो रही थी फरद साहब साहब से, मैंने इनसे कहा कि देखिए, रेख्ता के बड़े दंगे हो गए, बहुत दमदार वेबसाइट, और इस वेबसाइट ने लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी स्तर पर भाषा की चेतना को जन्म दिया है जी, और लोगों को अपने अदब को समझने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि आपकी जो वेबसाइट है,
वो बायलिंगुअल और ट्राई स्क्रिप्ट है जी, क्योंकि आप रोमन में भी लिखते हैं, आप हिंदी में भी लिखते हैं, आप उर्दू में भी लिखते हैं। अब आपके हिट्स कौन से भाषा के ज्यादा आते हैं? तो मामला भाषा का है ही नहीं, जब एक जान दो जबान है तो जान तो एक ही है। अब चयन है लिपि का, सवाल है स्क्रिप्ट का, और स्क्रिप्ट से भाषा को कभी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। देखिए, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना चार स्किल होते हैं भाषा के। सुनना और बोलना तो एक जैसे है ही हैं, रोमन में बोलोगे हिंदी तो हिंदी, उर्दू होगी, हिंदुस्तानी होगी, किसी भी लिपि में आप पढ़ लो बोलोगे तो वही। तो इन्होंने बताया कि लगभग 80% तो हमारी वेबसाइट रोमन में पढ़ी जाती है। अब रोमन में पढ़ने वाले हिंदी भी पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं, गजल पढ़ रहे हैं, तो लेकिन रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आंकड़े शायर आदमी है, सही नहीं, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो 80% तो हो गया रोमन, मन रोया भी नहीं होगा, ये अभी अभी मेहनत कर रहे हैं उर्दू को लेके, एक जान दो जबान को लेके, ये कौन सा इम्तिहान लेने आ गई, कम वक्त दूसरी तीसरी रोमन, रोमनों को कब से भगा दिया। फिर अब इनको इसमें इस आंकड़े में बहुत ये मुतमिन नहीं है अपने इरादों को अपने आंकड़े देने में, कि फिर कहते हैं दूसरा नंबर है हिंदी, हिंदी में गजल ज्यादा पढ़ी जा रही है, ज्यादा पढ़ी जा रही है। तो मैंने कहा क्या प्रोपोर्शन होगा, 15-5? बोले हाँ लगभग इतना होगा। अब आप देखिए, एक वेबसाइट आज की तारीख में 80% रोमन में पढ़ी जा रही है, और चेतन भगत का समर्थन सा करके लगती है जो कहता है इन भाषाओं को रोमन स्क्रिप्ट में ही लिखो। अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डाली, विभाजन किया और अपनी चलाई। तो ये उस जमाने में भी जॉन गिलक्रिस्ट चाहते थे कि हिंदी उर्दू को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाए, और ऐसे 5-7 बादशाह की कहानियां, बादशाह पीछे नहीं, उसका कारण अफगानी और उधर की ध्वनियों के कारण। तो यहाँ अगर आप इन भाषाओं को देखेंगे तो ध्वनियां कितनी सारी जो पहले से यहाँ पे दिमाग थी उन ध्वनियों को लिया गया, और उर्दू में टाटा टाटा लिए गए जो कि फारसी अरबी में नहीं थे, उसमें हर जिनमें ध्वनि आ जाती है एच लगा के, पा 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 भा का खा गा भा, खा नहीं है, फा नहीं है, ठ नहीं है, ठ नहीं है, ये ध्वनियाँ हैं नहीं लेकिन उर्दू में है। तो ये ध्वनियाँ जब उर्दू में आ गई तो कोई उसके लिए लिपि संकेत भी होगा, तो लिपि संकेत भी बनाए। बहरहाल मेरा कहना ये है कि आज की तिथि में हमारी जबान जिसको हम जिंदगी में बोलते हैं, जिसमें एक इंग्लिश भी आ गई है, या हिंदी उर्दू हो गई है, या उर्दू इंग्लिश हो गई है, इन सारी भाषाओं में घुलन मिलनशीलता से आप दुखी न होइए। आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं, गहरी गाढ़ी नफीस उर्दू बोलिए, संस्कृत निष्ठ शुद्ध हिंदी बोलिए, ताकि आपका रुतबा कायम हो और आपका वर्चस्व लोग स्वीकार करें कि यह है भाषा शास्त्री और इसको भाषा में कहने का सलीका आता है। लेकिन अगर आप जिंदगी में हैं, साहित्य में हैं, अब साहित्य वो विभेद नहीं कर रहा। आज का कोई भी उपन्यास पढ़िए, कोई भी कहानी देखिए, आप उसमें छलनी लेके बैठिए कि इसमें कितनी उर्दू है, कितनी हिंदी है, कितनी अंग्रेजी है, तो आपको छांटना मुश्किल हो जाएगा। आप शब्दों के मिलन को भी अलहदा नहीं कर पाएंगे, इतना घुल मिल गई है भाषा। तो यहाँ मैं एक बात सर कहना चाहूँगा, मैं फरा साहब से भी पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप छन्नी लेके छान नहीं सकते, लेकिन इधर बीच खासतौर से मैं गद्य की अगर बात करूं, उर्दू गद्य की बात, तो एक हिंदी लेखक जितना अधिक से अधिक उर्दू शब्द या उर्दू शब्द के बजाय अरबी फारसी के शब्द हम कहें, जितना वो इस्तेमाल अपने उपन्यास और अपनी कहानियों में करता है, उतना हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल एक उर्दू अफसाना निगार नहीं करता, उर्दू नावल लिखने वाला नहीं करता, और ऐसा लगता है कि जैसे डिलिब्रेटली वो उन शब्दों से परहेज करता है, जबकि एक हिंदी लेखक अपने कहानी को और संप्रेषणीय बनाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों को वो लाता है। वो तो ये जो एक बीच का रास्ता निकालने की बात हिंदुस्तानी जबान की लिटरेचर के लेवल पे भी है, वो प्रयास क्या आपको लगता है कि दोनों ओर से होना चाहिए और इस तरह से तभी एक बीच का रास्ता निकल पाएगा? अदरवाइज हिंदी लेखक एक हिंदुस्तानी जबान का निर्वहन करेंगे और उर्दू के जो भी कहानीकार हैं और
उपन्यासकार हैं वो अपनी तरह से अपना डेवलपमेंट करेंगे। मैं और क्या हेलो पहली बात तो ये कि बहुत से लोग हमारे दोस्त हैं यहाँ पर हैं, ये इन साहब को के बारे में पूरी तरह से वाकफियत नहीं होगी। दीपक रूहानी इनका नाम है, मैं इनको रूहानी दीपक कहता हूँ। तो ये प्रतापगढ़ में हिंदी के प्राध्यापक हैं और इन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स में MSc किया, उसके बाद क्या जी में समाई कि वो हिंदी में आए, हिंदी में शोध किया इन्होंने और उसके बाद उर्दू सीखी, फिर एक रिसाला भी निकालते हैं गज़लकार के नाम से जिसमें उर्दू शायरी के बारे में हिंदी देवनागरी लिपि में वो होता है। तो ये ख़ुद यहाँ जो बैठे हुए हैं दीपक रूहानी जी, ये उर्दू और हिंदी दोनों के सहवास की अलामत है। अब मसला जो आपने शुरुआत की थी हिंदुस्तानी का मामला जो है, ये मतलब अगर आप जैसे बात हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो सवाल आया उस वक़्त तक लिपि का सवाल आया जी और ज़बान का सवाल आया कि क्या हिंदुस्तान की ज़बान क्या होनी चाहिए, उर्दू या हिंदी, और उसके पहले जो नागरिक प्रतानी सभा में और की उर्दू अब्दुल बाबा उर्दू और ये पूरा एक माहौल गर्म हो चुका था जी। अब करारदाद पाकिस्तान जो है उसमें उर्दू को हिंदुस्तानी मुसलमानों की आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया गया जी जी। तो ये एक सफ़ें खींची हुई थी और बिलाखिर मतलब बटा जब मुल्क, तो उसमें एक तरफ बाबा उर्दू ने कहा कि उर्दू ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है मुल्क को तकसीम कराने में और मुसलमानों की ज़बान है, उनकी शख्सियत उनका मज़हब इसी में है, उनकी पहचान इसमें है, तो उर्दू को इस्तेमाल किया गया एक सियासी एजेंडे को पूरा करने के लिए। तो वो दूसरी तरफ हिंदी का मामला था कि ये संस्कृत संस्कृताइज्ड बेस्ड हिंदी है, वो जो तो वो तो बीच तो वहीं पड़ गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में जी, कि ये उर्दू हिंदू मुसलमानों की है और हिंदी हिंदुओं की है, तो वो आगे चलता रहा। वो 1857 जो है वो कल्मिनेशन पॉइंट था, तो उसमें ज़बान की हैसियत ज़बान का फैक्टर भी शामिल हो गया। अब मसला ये था कि उस वक़्त तक ज़बान जो थी आम बोलचाल की ज़बान, उसके सारे मुहावरे, वो ज़बान वही थी जिसे हम उर्दू कहते हैं। मतलब आप ये बहस बिल्कुल अलग है कि वो हिंदी है, अब हिंदी कहते हैं हम यहाँ पर, पाकिस्तान में ज़बान बोली जाती है, पंजाब में, सिंध में, पख्तूनिस्तान में जो लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे उर्दू बोली जाती है, जहाँ पे पंजाबी लफ्ज़ आ गए, सरायकी लफ्ज़ आ गए, तो वो भी वही तकरीबन ज़बान है जो हम यहाँ बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं और UP में बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं। तो वो हिंदुस्तानी का लफ्ज़ गांधी जी ने असल में वाया मीडिया के तौर पर इस्तेमाल किया था कि भाई उर्दू पर आप जो फारसी और अरबी बेस्ड उर्दू है उस वो जो है मुसलमानों से जोड़ दी गई है और संस्कृत बेस्ड हिंदुओं से जोड़ दी गई है, तो उसको बीच में से निकालो और एक कॉमन स्पेस जो है उसके ऊपर आ जाओ। तो वो एक ट्रिक के तौर पे तो ठीक था, लेकिन इसके पहले भी मतलब ये जैसे हिंदुस्तानी अकेडमी बनी इलाहाबाद में, तो उस वक्त था कि बोल चाल की ज़बान जो है वो तो सब जिसमें शरीक हैं, उसमें कुछ फारसी के लफ्ज़ भी हैं, कुछ ब्रज भाषा के हैं, कुछ अवधी के हैं, सब हैं मिले जुले। अब आज एक दो सवाल इसमें हो जाते हैं कि इस वक्त जो मामला है कि पार्टीशन के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान, मतलब मुल्क बट गया और इतने लोग मारे गए, वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन एक तहजीब के ऊपर जो ज़र्ब लगा, मतलब 1000 साल से एक ज़बान तैयार हो रही थी मुसलमानों के आने के बाद हिंदुस्तान में, जो नए लफ्ज़ आए, तुर्की के लफ्ज़ आए, फारसी के लफ्ज़ आए, उससे मिलके एक नई ज़बान बनी जी। उसका मुहावरा बना, मतलब हज़ारों उर्दू शायरों ने फारसी के शेरों को तर्जुमा कर करके, उनके मुहावरों का तर्जुमा कर करके एक ज़बान में दाखिल कर दिया। अब इस वक्त जो हम ज़बान बोलते हैं उसमें मुहावरों की 80% तादाद उन्हीं तर्जुमों पर आधारित है जो
वो शायरों ने और मसनवी निगारों ने फारसी से तक मतलब पूरी फहरिस्त मौजूद है, हज़ारों की तादाद में मुहावरे हैं जो तर्जुमा करके ज़बान में दाखिल किए गए। ये सब 18वीं, 17वीं, 18वीं सदी, 19वीं सदी मीर तकी मीर, आबरू, नाजी, हातिम, ये सारे जो 18वीं सेंचुरी के शायर हैं शुरू के, उन सब ने ज़बान साजी कर काम ही किया। मतलब चिराग हिदायत एक डिक्शनरी थी जो खान आरजू उस ज़माने में बहुत बड़े आलिम थे और लिंग्विस्ट थे, उन्होंने चिराग हिदायत नाम से डिक्शनरी लिखी, मामू थे उनके मीर तकी मीर के, तो उन्होंने मीर साहब ने उस पूरी डिक्शनरी को खपा दिया अपनी अपने गज़लों में, उस सारे अल्फाज दाखिल कर दिए। तो ये शायर दोनों दोनों काम किए थे, तो शेर भी कहे दूसरे ज़बान बनाई, और वो 1947 तक जो ज़बान सारे हिंदुस्तान में और पूरे यहाँ से लेकर सिंध और पाकिस्तान और पख्तूनिस्तान तक ज़बान बनी जा रही थी, वो बनाई हुई है उन लोगों की। अब वो ठीक है, जब आप बोल चाल की हद तक हैं तब तो उसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत से आगे बढ़ते हैं, आप फिलासफ़ी अगर आप लिखना है तो हिंदुस्तानी में नहीं लिख सकते, लेकिन हिंदुस्तानी इज़ नॉट एट ऑल लैंग्वेज प्रॉपर सेल्फ अडॉप्टेड, लिंग्विस्टिकली हिंदुस्तानी का कोई स्पेस नहीं है, कम्युनिकेशन में है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हद तक तो हिंदुस्तानी है, लेकिन जब आप जहाँ भी लेवल अपग्रेड करेंगे, आप फिलासफ़ी लिखना है, आपको इकोनॉमिक्स लिखना है, आपको इकोनॉमिक्स लिखना है, या आपको लॉ में आना है, या पॉलिटिकल साइंस में बात करनी है, टेक्नोलॉजी की, उस जमान में जब आप आएंगे जहाँ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स इस्टेब्लिश करना चाहेंगे आप, तो वहाँ मुश्किल होगी कि वहाँ पर आप जो टर्मिनोलॉजी जैसे बनाई गई है उर्दू में बनाई गई उससे फारसी या अरबी से, और जो हिंदी में जो ये टर्मिनोलॉजी बनाई गई संस्कृत से लिया गया, लेकिन मदर टंग्स तो वही हैं, मूल जो स्रोत हैं, लेकिन दोनों हिंदी और उर्दू जो हैं वो अपभ्रंशों से आई हैं। तो हमारा लिगेसी जो है वो फारसी तक जाती है और अरबी तक जाती है और संस्कृत तक जाती है। तो अब जब ज़मान दो हिस्सों में बटी हुई है, तो आप जब अपने आप को इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन की तरफ ले जाएंगे उस वक्त तक उस वक्त हिंदुस्तानी जो है वो आपके काम नहीं आएगी, ये एक बड़ा मसला इस वक्त है। अब मैं इसमें खास से आप कहना चाहेंगे? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और अपने आप से पूछूंगा कि मैं क्या कहना चाहता ये इतिहास 1000 साल पहले जाता है, उससे पहले भी कुछ था। मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि भाषाओं के विकास का सिलसिला हर शताब्दी में नहीं हर दशक में बदल रहा है, और पिछले 10 साल में और बदला है, उससे 10 साल में और अलग था, और उसके बदलाव की भूमिका में तरह तरह के तत्व सक्रिय हो गए। आज इंटरनेट एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत, वो भाषाएं बदलने में कितनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है जो उससे विज्ञ नहीं है, जो परिचित नहीं है वो न जान पाए। फिर अगर और अतीत में जाएं, उससे पहले अतीत में जाएं, तो हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1000 साल पहले हमारे पास क्या भाषाएं थी भारतवर्ष में। भारतवर्ष में बहुत तरह की भाषाएं थी, और हम इस भ्रम में जीते हैं कि संस्कृति ही थी। हम उन सारी सीढ़ियों को भूल जाते हैं जिनसे उतर कर हिंदी आई। 2500 साल पहले बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की मुख्य भाषा पाली थी, महावीर की भाषा प्राकृत थी, पाली और प्राकृत भाषाओं से पहले वैदिक संस्कृत थी, और संस्कृत की धारा अलग सनातन धर्म के सहारे कर्मकांडियों के सहारे अलग कर दी गई। तो दो तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भारतवर्ष में पहले से विद्यमान थी, जब तक कि अरबी फारसी का प्रवेश भारत में नहीं हुआ था। शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव संप्रदायों को मानने वाले थे, अवतारों को मानने वाले थे, और दूसरी तरफ सनातनी परंपराओं और कर्मकांड के कारण और वेदों के कारण और वर्ण व्यवस्था के कारण जो विद्रोह हुआ शूद्रों का, उनको पनाह न मिली मंदिरों में, तो उनको बुद्ध ने शरण दी, और बुद्ध ने जब शरण दी तो वो जनता वो थी जो अपनी भाषा बोलती थी, वो सामंत की भाषा नहीं बोलती थी, नृप की भाषा नहीं बोलती थी, और नृप के दरबार में संस्कृत चलती थी, और संस्कृत के आख्यानों पर शास्त्रार्थ होते थे,
वो जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं कि विमर्श की भाषा, दर्शन की भाषा, फिलोसफी की भाषा, वो तो आपको अपनी भाषा में रखनी पड़ेगी ना। लेकिन क्या हुआ कि अमीर खुसरो हिंदी और उर्दू दोनों के लिए एक महान प्राथमिक कवि माने जाते हैं, कि वहाँ से हमारी हिंदी भी आई और उर्दू भी आई, रिश्ता भी, हिंदवी भी और हिंदुस्तानी भी जिसको कहें। लेकिन अमीर खुसरो से लेके और 17वीं-18वीं शताब्दी तक जो साहित्य हिंदी में लिखा गया वो संस्कृत में नहीं था, वो हिंदी में भी नहीं था, जिसको हम तथाकथित आज की हिंदी कहते हैं, जो खड़ी बोली पर आधारित है, वो या तो मैथिली में था या ब्रजभाषा में था या अवधी में था। अवधि और ब्रजभाषा हमारी दो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भाषाएं रही हैं और आज स्थिति है, हम तो हिंदी उर्दू की बात कर रहे हैं, हिंदी की जो बोलियां हैं वो भी तड़प रही हैं। एक पूरा आंदोलन भोजपुरी को लेके है, भोजपुरी एकेडमी है, सिंधी एकेडमी है, मगही एकेडमी, मैथिली एकेडमी, बुंदेलखंडी एकेडमी, अब ब्रजभाषा वाले तो कृष्ण के क्षेत्र के हैं, वो संतोषी जी में वो अपने लिए लड़ते नहीं हैं, प्रेम मार्ग जो होगा कभी लड़ेगा ही लड़ेगा, जायसी ने कभी अपने लिए लड़ाई नहीं करी, कुतुबन मंजन ने कभी नहीं करी, लड़े कौन, जो भाषा के प्रति एक अलग तरह का नजरिया रखते थे और वर्चस्ववाद जिनके अंदर था। तो देखिए अभी भी भारतवर्ष में हिंदी उर्दू को लेकर वर्चस्ववाद एक है इनहेरेंट। गोपीचंद नारंग कह जाते हैं कई बार, वो कहते हैं हे उर्दू वालों तुम अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद मत बनाओ, हिंदी को साथ ले चलो, अलहदगी ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ अपने क्षेत्र में जहाँ भी सक्रिय होता हूँ कि हमें उर्दू से शब्द लेने चाहिए, जो शब्द हमारे पास उर्दू भाषा में है, हमारी लोक भाषाओं में है, उनसे हमें अपने आप को संपन्न करना चाहिए। आपको बड़ा भ्रम है कि अंग्रेजी बड़ी महत्वपूर्ण भाषा है, अंग्रेजी में विक्टोरियन काल में भी लैटिन बोली का इस्तेमाल होता था, फ्रेंच का इस्तेमाल होता था और वहाँ पे उसका वही दर्जा था जो आपका हमारे यहाँ फारसी का, तो वहाँ के सदन में लैटिन का इस्तेमाल होता था। और पूरे इंग्लैंड में आप चाहे वेल्स चले जाइए और हर मैनचेस्टर से वहाँ की भाषा अलग होगी, यॉर्क की अलग होगी, और वो आप समझ रहे हो कि शेक्सपियरन लैंग्वेज एक अलग होगी। तो अंग्रेजी के पास शब्द भंडार नहीं था, 1604 में जो पहली डिक्शनरी छपी थी उसमें 2449 शब्द थे केवल, कहाँ से आ गए इतने शब्द कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जब बनी तब उनके लिए 1,00,000 शब्द की खोज हुई कि 1,00,000 शब्द आने वाला है तो हम किसको रखें, और शब्द मिला जय हो। अंग्रेजी को मानते नहीं थे ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहला जो अपॉइंटमेंट हुआ है आपको हैरत होगी जानकर कि उनके लिए लैटिन थी, अंग्रेजी तो उनके लिए बड़ी गरीब गरीब जब जबान थी बहुत देर तक 18वीं-19वीं सदी तक। फिराक गोरखपुरी आई एम टेलिंग इट ऑन द ओथ ऑफ फिराक गोरखपुरी, उन्होंने ये बात कही कि पहला अपॉइंटमेंट एज इंग्लिश लैंग्वेज लेक्चरर का वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, उसके पहले तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का कोई डिपार्टमेंट नहीं था। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इसलिए तो वो तो खैर एक दूसरी बात है कि वहाँ पर वो ईसाइयों पादरियों की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो वो तो खालिश मतलबी वजह से पैदा बनाई गई थी। तो लैटिन आप मतलब उस वक्त तक जाके मतलब 20वीं सदी की शुरुआत तक लैटिन शास भाषा जो मतलब जो बात कर रहे थे ना कि लोग और शास के जो चक्कर है कि जैसे जैसे पाकिस्तान आई मतलब हौदे जबान जो शास्त्र की जबान है, इल्मी जबान है, वो धीरे धीरे सिमटती है, सिमटती है, कुछ महदूद हो जाती है चंद लोगों तक, एक खास तबके तक। आम लोग जो हैं वो उन्हीं लफ्ज़ों को बिगाड़ के अपने तौर पर बोलना शुरू करते हैं, वो एक नई जबान बनने लगती है। तो 3,000 साल पहले प्राकृतें आ गई, प्राकृतें खुद बिगड़ी साबो ब्रांच है। तो ये जो मैंने कह रहा था कि ये सारी उर्दू हमारी जो आई है ब्रजभाषा अवधि सारी जबानें दक्कनी गजरी सब उसी चूरसैनी अब ब्रांच से आई है। ये 1,000 साल पहले जब ये मुसलमान यहाँ आए हिंदुस्तान में फैले हैं यहाँ पर, उस वक्त तक चूरसैनी अपर ब्रांच पूरी तरह से इस्टेब्लिश थी और उसी में से ये ब्रज ब्रज आ रही थी। अब ये जबान जो उस वक्त सब बोल रहे थे, मतलब मैं वही बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ है, तकसीम हुई है, वो हम उसको सिर्फ एक पॉलिटिकल एक चीज़ या मजहबी वाकया तो अपनी जगह था ही, लेकिन जबान के लिहाज से उसने 1,000 साल की तारीख जो
उसको ब्रेक किया, कंटिन्यूटी को ब्रेक किया, और वो दो जमान में यहाँ से मतलब वो पाकिस्तान की जबान हो गई और ये हिंदी हिंदुस्तान की जबान हो गई, ये मान लिया गया। अब जो चल रहा है मामला, ये जो आप जो बात कह रहे थे कि इस वक्त 2018 में क्या हो रहा है जी, तो अब यहाँ पर पिछले मतलब पार्टीशन का जो हैंगओवर था उसने 20 साल मतलब यूपी में देखिए आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उनका तखल्लुस, गजल के शायर, पॉलिटिक्स उर्दू के मुखालिफ हो गए, पूरा महाज उर्दू के खिलाफ चलाया उन्होंने, उसके बाद फिर ये उर्दू वाले दूसरी तरफ से, तो ये सारे जयशंकर प्रसाद ने गजल कही, निराला ने गजल कही, तो वो एक चीज़ थी जो पूरे सारे लोग सारी उस वक्त जितने भी मजहब थे मतलब ईसाइत सारा बाइबल उर्दू में, सिखिज्म सारा बाइबल उर्दू में, आर्य समाज जो एंटी इस्लाम मूवमेंट था पूरा उसकी सारी किताबें उर्दू में आज जो मौजूद है, बर्मन देवव्रत बर्मन की किताबें सारी किताबें 100-150 किताबें उर्दू में, सारा हिंदू के हिंदू धर्म ग्रंथ, अभी अजय मालवी ने वो पूरा एक किताब छाप दी है जिसमें कम से कम 500-600 तर्जुमे हैं उर्दू के अंदर, महाभारत गीता और सारी चीज़ें जो चीज़ें हिंदू ग्रंथ जितनी भी धर्म ग्रंथ है सब उर्दू में, तो वो सारा उर्दू ही लिंग में इतनी बड़े पैमाने पर पब्लिशिंग इंडस्ट्री और यहाँ से लेके और लाहौर तक, और तो वो ख़त्म हो गया। अब देखिए कि कहानी, जैसे कहानी में आप देखिए कि आप जो कह रहे थे कि अब ये नई कहानी जो हिंदी में आई है, अब मंटो बेदी और ये सारे लोग जो कहानी लिख रहे थे वो सारे लोग देख रहे थे जो उसमें हिंदू मुसलमान सब शरीक थे, उर्दू में लिख रहे थे। अब उसके बाद यहाँ हिंदी में प्रेमचंद से, प्रेमचंद खुद मतलब प्रेमचंद जो थे वो तो बहुत बड़ी मिसाल है, वो तो बहुत बाद में आगे हिंदी अडॉप्ट किया उन्होंने जब आर्य समाज के असर में आया, वो उस वक्त तक तो सिर्फ उर्दू जबानी उन लोग बेसादत सीखी होगी उन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट, उसके बाद आती भी नहीं होगी उन्होंने। तो ये जो डिवीजन हुआ है उसमें मजहब ने जिस तरह से रोल किया उसमें उर्दू हिंदी को अलग किया, वो एक बहुत बहुत बड़ा ट्रेजडी है जो हमारी तारीख का हिस्सा है। लेकिन आज की जो मामला है कि इसमें मैं देखता हूँ कि एक मतलब 60 तक 65 तक वो एक जो उर्दू के लिए था कि भाई ये पार्टीशन में इसका जरूर है, तो ये आप देखिए संपूर्णानंद जो अभी मैंने जो गजल उसने छेड़ी है उसमें इंतखाब जो है उसमें उनकी गजल दो गजलें दी है मैंने, बाकायदा गजल के शायर थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी, और इतने ही एंटी उर्दू का पूरा मूवमेंट के लीडर भी थे वो, तो चूँकि हैंगओवर मतलब ये आप जब कहेंगे कि उर्दू की बुनियाद पर हिंदुस्तान तकसीम किया गया है तो मतलब उसका रिएक्शन होगा, वो हुआ बहुत से लोग उर्दू से बोल चले। अब मैं देख रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग नौजवान इस वक्त शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर जाइए आप और उसमें 90% लोग नॉन मुस्लिम, मतलब हम मैं जब कहता हूँ लोगों से कि अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है कि ये जो टूटा था जहाँ से तार वो तार अपने आप जुड़ा है, और वो चाहे दिल के कि में जो जज्बे पैदा हुए हैं, कुछ तकलीफ़ें ऐसी या कुछ खुशियाँ ऐसी पैदा हुई हैं जो उर्दू मुहावरे ही में जाहिर हो संभव है, वो अपना अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए जिस तरह से कशिश बढ़ी है गज़ल की तरफ, उस गज़ल की फॉर्म में अब ले रही हूँ बाजी भी पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट भी सीख रहे हैं, मीर तकी मीर से उसके आबरू से नाजी से हातिम से लेकर सब सारे मतलब गजलों को पढ़ रहे हैं। तो ये एक प्यास है, एक बहुत गहरी कोई ख्वाहिश है अपने आप को जाहिर करने की हिंदुस्तान की ज़बान में, वो जब जाहिर करने पे आ रहा है नौजवान, वो उसको वो ज़बान मिल रही है जो उर्दू गज़ल में अब तक रही है जी। मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अभी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक कही कि हम लोगों ने जामिया में एक हिंदुस्तानी का एक पेपर एक यूनिट या पेपर आपने बनाया था, मैं अभी पढ़ रहा था इस कार्यक्रम के पहले एक लेख प्रेमचंद जी का, मैं उसमें हिंदुस्तानी भाषा पर उनका एक लंबा लेख है प्रेमचंद जी का, उन्होंने एक
एक सलाह दी है कि अगर हिंदुस्तानी ज़बान को, हिंदी और उर्दू को न करके हिंदुस्तानी ज़बान को अगर बचाए रखना है या आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हाई स्कूल तक इसको लाजमी कर दिया जाए कि हाई स्कूल तक हर बच्चा एक एवरेज जिसमें हिंदुस्तानी भाषा का जो जैसा कि हम बोलते हैं, जैसा बोलचाल में है, उस तरह की एक भाषा को पढ़ने के लिए उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो क्या इस तरह के कोई प्रयोग करके हम मिलीजुली भाषा को, जो कि केवल हिंदुस्तान की उपज है, उर्दू और पूरे विश्व में कहीं नहीं है, केवल वो संभव था एक जान दो जबान वाला मामला जो अभी आपने कहा कि स्ट्रक्चर एक ही था, प्राकृत से आया या अपभ्रंश से आया, लेकिन वो बस आप चुन के शब्द वहाँ अरबी का भी रख सकते हैं, वहाँ संस्कृत का भी रख सकते हैं, सेंटेंस पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। तो एक बेसिक ढांचा वही है जो एक एक, एक संस्कृति से निकल के आया है। तो आप इसको बचाने के लिए क्या हायर एजुकेशन के बजाय नीचे से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं? यहाँ तक शिक्षा का मामला है, उस इलाके में सियासत की दखलंदाजी ज्यादा है, हिंदी की अनिवार्यता शुरू में थी, धीरे धीरे वो चली, उसकी जगह उर्दू आई हो ऐसा भी नहीं हुआ। आई कौन सी भाषा? अंग्रेजी। और अंग्रेजी ने 1800 में यानी 18वीं सदी के अंत में भी ये तोड़फोड़ मचाई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज जिसका जिक्र किया, वहाँ से हिंदी उर्दू को अलग करना शुरू किया, एक जबान बनी थी जिसमें से कहा गया इसमें से संस्कृत निकाल दो, इसमें से फारसी निकाल दो, तो जब फारसी निकल जाएगी तो ये हिंदी हो जाएगी, संस्कृत निकल जाएगी तो ये उर्दू हो जाएगी। ये सारी चीज़ आज हम बैठे, आज बैठे सन 2018 है, हमें अतीत को आज की खिड़की से देखना होगा, भविष्य को भी आज की खिड़की से देखना, आज क्या हो रहा है। और अच्छी बात है कि गजल हर कोई कहने की कोशिश कर रहा है, उर्दू की एक शैली शिल्प एक कल्चर है गजल, लेकिन अगर कोई पंजाबी में गजल कहे, कोई मराठी में गजल कहे, ये भी सिलसिला है, कहने वाले कहे, भोजपुरी में, अवधी में, गुजराती में एस्टैब्लिश है गजल, पंजाबी में एस्टैब्लिश है गजल। तो ये ताकत गजल की है या भाषा की, मुझे ये बताइए, एक कल्चर की है या आप सिर्फ कहेंगे उर्दू की ताकत है? नहीं, माफ करिएगा, मुझे जरा जानने दीजिए, मैं भी कोई विद्यार्थी की तरह यहाँ बैठा हुआ और चीज़ें समझने की कोशिश करता हूँ, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं जो प्रायः नहीं मिलती, मुझे यहाँ मिल रही हैं, तो मुझे उनका जवाब सोचने दीजिए, क्योंकि मैं इस लाइन पर भरोसा करता हूँ, एक जान दो जबान एक हिंदू, मैं इसका भरोसा करता। अगर इसको तोड़ने के लिए हम किसी एक जबान या किसी एक भाषा की महत्ता को रेखांकित करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो कभी एक जान नहीं होगा। एक जान होने के लिए अपने आप को वसी करना पड़ेगा, अपना कलेजा चौड़ा करना पड़ेगा, सब कुछ मेरी छतरी के नीचे, सब हमारे यहाँ होता ही आया। रस सिद्धांत वाले क्या कहते थे? रस सिद्धांत, सब कुछ रस के अंदर समाहित है, वो बोला नहीं अलंकार सिद्धांत, सब कुछ अलंकार के बराबर, रीति सिद्धांत वाला, औचित्य सिद्धांत वाला, वक्रोक्ति सिद्धांत वाला, आप ना जानते होंगे उनके बारे में, संप्रदाय जितने भी जो है पढ़े हुए हैं जानते हैं संप्रदाय। तो ये संप्रदाय सांप्रदायिकता शब्द तो वहीं से आया है जो उन्होंने दिया था, आपको पता ही नहीं कि ये संप्रदाय आया कहाँ से, और इतना लड़ते थे, इतना शास्त्रार्थ करते थे कि उन्होंने हाल खराब हो जाए। तो क्या हुआ कि जो जानता श्रेष्ठ उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करते हुए हम दूसरों को निरस्त करने के बजाय दूसरों को अंगीकार करें, आप दूसरी भाषाओं की बर्तन को सही करें, मराठी भाषी होते हुए भी वो गजल कह रहा है, वो उर्दू भाषी नहीं है तब भी गजल कहने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये भी देखा है मैंने कि वो अगर अपने मिजाज से, अपनी सांस्कृतिक समझ से, अपने भाषाई तेवर और अपने भाषाई ज्ञान और अपने अभिव्यक्ति की कौशल से अगर वो कुछ कह रहा है और उसका मिजाज अगर उर्दू से मेल नहीं खाता तो आप उसकी मजाक करने लगे। आज तक मैंने नहीं देखा कि उर्दू के आलिम शायर, जो बड़े बड़े शायर हैं, उन्होंने प्रमोट किया हिंदी के गजल कहने वालों को नवाजा हो, सबने किया। चलिए मैं मेरी मेरी अपनी जो एहसास हैं एहसास उनको भी आज सुनने दीजिए, एक बात जो मैंने बोल कर कौन बोले कहा अपनी खुशफहमी में रहने में अपनी खुशफहमी में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जान बनाना है, एक जान बनाने के लिए इतिहास को भी जानना पड़ेगा, कहाँ क्या विकास हुआ, अमीर खुसरो के बाद क्या सीधे उर्दू शायरी आ गई, हिंदी का हुआ ही नहीं, आपको जानना चाहिए।
कि वहाँ इंतिकाल दावा के सब ने बिहारी थे आलमगीर बोला थे और उनकी शायरी में भी दम था, उनकी शायरी में भी चमत्कार था, उनका भी सौंदर्य बहुत था। फिर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र तक आते आते और भी बहुत सारे हैं और एक पूरे 18वीं सदी में हिंदी या हिंदी की बोलियों का साहित्य आया कहाँ हो गया? वो इतने स्वतों की आकाटों का काल था, इतने संघर्षों का काल था कि कहीं किसी ने लिखा भी होगा तो बेचारा सामने ना आ पाया। वो सल्तनतें अपने गुरूर में इतनी ज़्यादा तलवारें चला रही थी कि कागज़ के पन्ने भी फाड़ दिए गए और चले गए और आंध गए। सल्तनतों ने क्या किया? सब कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, रटों ने अच्छा नहीं किया, राजाओं ने अच्छा नहीं किया। अगर प्रसाद 19वीं शताब्दी में जयशंकर प्रसाद उसके तीसरे और चौथे दशक में स्कंदगुप्त लिखते हैं या चंद्रगुप्त लिखते हैं मौर्य वंश पे गुप्त काल पे, तो उसकी भाषा में क्या करते हैं? क्या वो प्राकृत लाते हैं? क्या वो पाली लाते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म के चरित्र हैं, उनको वो नाटक पाली में लिखना चाहिए था लेकिन उन्होंने संस्कृत में हिंदी में लिखा, क्योंकि वो उस समय की भाषा थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आपको बना के दी थी। उसमें से फारसी के और अरबी के अल्फाज निकाल के उसको शुद्ध बनाने के चक्कर में भारतेंदु हरिश्चंद्र तक वो रसा साथ थे। लेकिन यहाँ रस सब आ गए, यहाँ रस आ गया, फिर वो सारे काव्य शास्त्रीय मानक आ गए जिनको आपको महाकाव्य कैसे लिखा जाए, खंड काव्य कैसे लिखा जाए और सारी कहानियों के चरित्र बदल गए। सन 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना था, लल्लू लाल, सरदार शुक्ला न्याजी, इंशाअल्लाह खान और सदर ने उनमें एक इंशाअल्लाह खान साहब थे, मीरम्मन साहब भी रहे मेरे में कम है। तो इंशाअल्लाह खान साहब की जो रानी केतकी की कहानी है वो रानी केतकी की कहानी श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली कहानी माना है और उसमें हिंदी पहले नहीं थी, ऐसा नहीं है, हिंदी एक भाषा थी जो बोली जाती थी, बोलचाल की भाषा को हिंदी कहा जाता था, बोलचाल की अरबी फारसी को उर्दू कहा जाता था, क्योंकि उर्दू तो बाजार का नाम है ना, बाजार की भाषा थी। अगर आप उर्दू शब्द कैसे बना, हिंदी शब्द कैसे बना, तो हिंदी शब्द तो फारसी की तरकीब से बना है, हिंदी भी हिंदी क्या है, वो भाषा तो प्राकृत थी या वंश थी या और काम थी, तो हिंदी शब्द कहाँ से आए? तो हिंदी को नामांकित करने में, उसको संज्ञा बनाने में भी उस संस्कृति का प्रभाव है जो हजार साल से चली आ रही है। हम आप पहले ही मना कर चुके हैं कि इसका हमें ज्यादा बात नहीं करनी है विकास पे, लेकिन आज विकास कैसे हो, आज दास कैसे रोका जाए, कैसे आत्मीयता बढ़ाई जाए, ये तभी रोका जो स्वयं को हिंदी मानने वाले उसको संस्कृत निष्ठता ही स्वीकार करते हैं और स्वयं को उर्दू मानने वाले उसको फारसी और अरबी मिश्रित होने पर ही महत्ता देते हैं। ऐसा अगर कम होगा और ये मान लिया जाएगा कि एक जाल बनाने के लिए दूसरी जाल की जरूरतों को भी जानना चाहिए, दूसरी जाल क्या चाहिए। देखिए, अगली बात कहने से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं आप सबसे कि आप लोगों में से अगर कोई कुछ पूछना चाहे बीच में, क्योंकि हमें इस सेशन के बाद कोई प्रश्नकाल हमारे लिए निर्धारित नहीं है, 45 मिनट का है, तो आप लोग बीच में अगर कहीं से कोई सवाल भी उठता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कहीं से कोई जिज्ञासा हो। जी नमस्कार, जी किसी ने उनसे कहा हो कि स्क्रिप्ट सीखो तो शायरी करो, स्क्रिप्ट सीखने की बात है, आपने जो सर
बात मैं कह रहा हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, जमी दूर है आसमां सब, जमी सच है आसमां दूर है, करे क्या कि इंसान मजबूर है। इसका शेर है ज़्यादा, मीर तकी मीर का शेर है, ये किस जबान में है, क्या है ये? आप जिस हम आप जिसको लोग हिंदुस्तानी कह रहे हैं उसको हम उर्दू कह रहे हैं, मतलब उर्दू जो है वो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी के मुकाबले में खड़ी हुई कोई चीज़ है। मतलब जब अब तक जिस तरह से जबान का नाम, जैसे पहले गजरी को हिंदी और रिख्ता और ये उर्दू आ गया 19वीं सेंचुरी में या 18वीं सदी के आखिर में, तो वही जबान है जो हम सब समझ रहे हैं। आप उसको हिंदी भी कह सकते हैं, मतलब कोई मसला नहीं है। मसला वहाँ पता होता है ना कि जब एक मखसूस काम करने के लिए आप कुछ लफ्ज़ों को किसी उसी जबान में ज़्यादा कर देते हैं, कुछ को ज़्यादा कर देते हैं। मतलब मेरा अपना ये भी संस्कृत के तत्सम लफ्ज शब्द जो हैं वो उस आम बोलचाल की जबान में जेल नहीं करते हैं, वो अलग से मामला है। बहुत से फारसी लफ्ज जो हैं वो उसका हिस्सा बन गए। फारसी लफ्ज या अरबी लफ्ज हैं जैसे पत्थर होते हैं ना, पानी में बहते बहते सोडाउल हो जाते हैं, तो वो लफ्ज़ रिवाज में आ गए बहुत से फारसी के लफ्ज़। तो उससे ये लगता है कि अगर फारसी लफ्ज़ हैं तो ये उर्दू है और ये किसी खास तरह की जबान, क्योंकि वही वही है जैसे आम जो हिंदुस्तानी की बात की जाती है वही है जो जबान 200-300 साल में बन के उर्दू गज़ल में खास तौर पे उसका इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है किसी किस्म का कि जबान में शायरी होती है ना, स्क्रिप्ट में शायरी थोड़ी होती है। स्क्रिप्ट तो बाद में आती है जब आप उसको लिखते हैं। और जो भरत भाई कह रहे हैं कि 500 लिख के कह रहे हैं उर्दू कह रहे हैं, सबको उर्दू स्क्रिप्ट आती है? नहीं नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। और वो उर्दू के मिजाज से वाकिफ हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है जी। तो ये दोनों लोग आप कह रहे हैं, आपकी बात समझ में आ रही है। लिपि का मामला अलग है, स्क्रिप्ट का मामला अलग है, रस्मोल्फत का मामला अलग है, किसी एक कला संस्कृति का मामला अलग है। एक कल्चर ऑफ एन आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्रिप्ट इज देयर। अच्छा दोस्त, अब क्या है, समय समय समाप्त होने वाला है लगभग। मैं जो अपनी अभी, बात में कह रहा हूँ वो ये कि हम एक दूसरे को जितना जानेंगे उतना ही एक जान होने का रास्ता जी। हमें एक दूसरे को जितना जानेंगे, मुझे जितना उर्दू साहित्य पढ़ना चाहिए उतना पढ़ना चाहिए। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया का उस्ताद और तालिब इल्म होने के नाते मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ उर्दू साहित्य से मेरा वाबस्तगी है। इसी तरह से हिंदी का जो साहित्य रचा जा चुका है रीति काल में, भक्ति काल में, पिछली बार एक सेशन में हम दोनों साथ थे कि भक्ति काल में क्या था, हर हर विद्वान किसी की भाषा का हो या कोई कवि हो कुछ उसमें विशिष्ट होता है। सूर में कुछ खास है, तुलसी में कुछ खास है, जायसी में कुछ खास है, जायसी ने तो बचा लिया पद्मावती फिर। तो कैसे वे आज हमारे सबके अपने, वे सब के सब अपने, रस खान कृष्ण भक्ति में चले गए, तारा देवी चली गई, या हम एक दूसरे की संस्कृति में आवाजाही करते हैं। अब सारे मुसलमान सिर्फ जामा मस्जिद और ओखला और बटला हाउस के इलाके में रहे, ऐसा क्यों हो? हम ऐसी कॉलोनी क्यों ना बनाएं जिसमें हम सब धर्मों के लोग रहें और एक दूसरे से सुरक्षित महसूस करें। और पूर्वाग्रहों को दूर करना होगा। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जो ऐसे विशुद्ध लोग हैं ना जो हिंदी को वैसा ही मन बदलना चाहते हैं जैसा कि कभी वो थी नहीं जी। वो वापस लाना चाहते हैं, पुनरुत्थानवादी हैं, रिवाइवलिस्ट हैं, उनके बीच में मैं उर्दू साहित्य और उर्दू शायरी और इन रवायात का कितना पैरोकारी करता हूँ आपको अनुमान नहीं होगा। मैं उस इलाके में ऐसा काम करता हूँ जो मेरी भाषाओं का काम है, मेरा अपना नहीं है, ना उर्दू का है ना हिंदी का है। एक जान और एक हिंदुस्तान के लिए दो जबान जो कि इत्तेफाक से रस्म और खत के कारण अलग हैं, इस पर इतना इत्तेफाकी हो सकती है कि इधर से देखो तो यूँ उधर से देखो तो यूँ, लेकिन उसके अलावा भी व्याकरणों में भी विभेद हैं। अब मैं सोच रहा था कि ठहरने दे मुझे ना उम्मीदी क्या कह क्या कयामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है। अब ये दामाने ख्याले यार, पहले दामन आया फिर ख्याल आया फिर यार आया,
अब हिंदी में ऐसा नहीं होगा या संस्कृत में ऐसा नहीं होगा। संस्कृत में अगर कहोगे तो यादस्य दानस्य ख्यालम याद कराया है, तो पहले हमने दामन के माध्यम से याद हो जाना, और अगर इस पद्धति से लिखोगे, ये कारक विभक्तियां हैं ना जी, तरकीब है, तरकीब है, तरकीबों में का के की में पे पेपर से ये सारी चीजें हैं, तो उर्दू में ये फर्क है, ये उस मिजाज में फर्क है कि आप तरकीब कैसे लगाओगे, क्रम क्या रखोगे। तो एक तो क्रम का अंतर आ गया, फिर थोड़े बहुत अंतर और है, जो समास हैं हमारे, संधियां हैं हमारी, उनके थोड़ी अंतर है। इनके अलावा शब्द दोनों भाषाओं ने पता नहीं किन किन भाषाओं से लिए, आप बिल्कुल अलहदा कर सकते हैं, अरबी में भी कहाँ से आए होंगे, फारसी में भी कहाँ से आए होंगे, तो और पीछे जाइए और पीछे जाइए और उस उन कदमों की तलाश करिए जो उन भाषाओं को बोलते बोलते विभिन्न ज्योग्राफिकल एरियाज में आए, उन भौगोलिक क्षेत्रों में आके उन्होंने अपनी संस्कृति की झांझर भी बजाई है, उन्होंने अपनी जबान की ध्वनियाँ भी हमें दी हैं, ध्वनियाँ गूंज रही हैं और ध्वनियों में मिलनशीलता भी बढ़ रही है। मैं इसमें इंग्लिश का समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश ज़्यादा होती है, हिंदी नाम मात्र की होती है या उर्दू नाम मात्र की होती है। भाषाएं अगर उच्च स्तरीय पठन पाठन के लिए हैं तो उनमें उनकी शुद्धता और उनकी सामर्थ्य होनी चाहिए, लेकिन अगर जिंदगी में है, मोहब्बत में है, हमारे मनोरंजन में है और हमारे दैनंदिन व्यवहार में है, तो वो फिर मोहब्बत की भाषा होगी और मोहब्बत की भाषा बिना उर्दू के चली नहीं सकती। कि अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि एक अत्यंत एक सिंथेसिस का माहौल पैदा हो रहा है। जैसे एक आज से 500 साल पहले जो एक समुद्र मंथन भाषाओं का हुआ था, जिसने ये ज़बानें पैदा हुई सारी, तो अब वो बहुत से हैंगवर ख़त्म हो चुके हैं, पार्टीशन वगैरह का ख़त्म हो गया, ये हिंदुओं की ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान है, बहुत चीज़ें महंग हो गई। अब हम यही जो फिनोमेनन है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कल्चरल फिनोमेनन है, जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में मजहब के और कल्चर के की दीवारों को तोड़ के लोग अपने आप को, असल चीज़ जो है वो एक कॉमन एक्सपीरियंस है, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ से लेके गुजरात तक और महाराष्ट्र तक वो उसमें शेयर कर रहे हैं दूसरे जी, उस शेयरिंग में उन्हें एक जबान की तलाश है कि किसमें अपना इजहार करें। अब जब आप हल्के फुलके जज्बे हल्के फुलके ख्याल जो हैं उनको भी इजहार आप कर देते हैं जो बनी बनाई जबान आपके पास होती है जी, लेकिन जब आप और गहराई में उतरते हैं तो फिर आप अपनी और फिर भी एक जबान बनाते हैं अपने लिए। तो ये ज़माना आ गया है कि जिसमें जितनी भी लिंग्विस्टिक सोर्सेस हमारे पास मौजूद वो सब कॉन्फ्लुएंस में आए, वो सारे धारे फिर मिले, और वो अब आ गया है जब ये धारे मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे, 10 साल के बाद मिलेंगे, 50 साल के बाद मिलेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त उर्दू बोलने वाले 10% हैं से, मतलब वो सारी दुनिया में जो मशहूर है कि वहाँ की जबान कौमी जबान है, ठीक है वो हो गया, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रियलिटी यह है कि अभी पिछले साल हम भी जगदीश जी भी गए थे लाहौर में, कराची में खासतौर पर वहाँ की सड़कों ऊपर उर्दू के खिलाफ इतने नारे हमने देखे दीवारों पर लिखे हुए हैं, सरायकी वाले कह रहे हैं हम क्यों नहीं, पश्तो वाले कह रहे हैं हम क्यों नहीं, उर्दू क्यों। तो ये तो एक चीज़ आप जो भी ओन करने की कोशिश करेगा, हम आप लखनऊ में रहते हैं, वहाँ पर बहुत लोग हैं वो नखास में और चौक में जो रहते हैं कि वो सिर्फ उनके पास स्क्रिप्ट के अलावा कुछ है ही नहीं, जबान नहीं है इनके पास, वो सिर्फ अपने कमरों में बैठ के और अपने गली कूचों में नखास और चौक के वो पुराने मामला कर सकते हैं कि हमारी जबान है और हमारी तहजीब है, न उनके पास तहजीब है न उनके पास जबान है, स्क्रिप्ट है सिर्फ, चाटते रहो स्क्रिप्ट को, लेकिन जबान है यहाँ पर आपके पास है, वो जो जिंदा जबान है। लफ्ज जो हैं वो तो डिक्शनरी में जो लफ्ज होता है वो तो कब्रिस्तान है, डिक्शनरी जो है लफ्ज़ों का कब्रिस्तान, जिंदगी तो आप डालते, जान आप डालते हैं ना, शेर में डालते हैं जब लफ्ज़ में जान आप डालते हैं। तो जबान वो जो है न सिर्फ ये कि मौजूद है जो हम
कई सौ साल से बोल रहे हैं वो हमारी मीरास है और हम उसमें अपना इनपुट भी डाल रहे हैं, एक नई जबान बन भी रही है। अब वो 50 साल लगेंगे, 100 साल लगेंगे, जितना भी लगे, लेकिन अब वो धारा जो जो दीवार बीच में खिंच गई थी वो टूट गई है, उसमें या तो दरार आ गई है और एक सैलाब है मानी का वो बहता चला आ रहा है और उसके सामने ये सारे बंधन खत्म हो गए बहुत जल्द जी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला चल रहा है और आप जैसे लोग जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं जबान में, आप खुद तो शायर भी कह रहे हैं और जबान ही बना रहे हैं जैसे कि मीर तकी मीर वगैरह ने किया था, तो ये एक बिल्कुल नया ज़माना है जिसको वो बहुत सी चीज़ें सरफेस पे नहीं है, बहुत ही अंदर अंदर एक चीज़ चल रही है। और अभी फराग वाला बैठे में अभी एनी बुक अभी इन्होंने शुरू किया 3 साल पहले इस्टेब्लिश करने में सिर्फ ये कि आप बड़े पैमाने पे वो शायरी आप दे रहे हैं लोगों को, ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं लोग, कोई स्क्रिप्ट का कोई मसला नहीं है जी। कोई और तो पढ़ना चाहे तो पढ़े। आखिरी कोई सवाल हो तो एक अंतिम सवाल बस एक, ये आप खुद रोक सकते हैं प्रयोग न करके, वो कोई मसला नहीं है। देखिए नहीं नहीं देखिए बहुत ही चीज़ें होती हैं जिंदगी के प्रेशर से आती है, मतलब प्रेशर होता है कि आप बोलना है सिर्फ, बाजार में जा रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ लोग हैं तो आप कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेशन में आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आप फारसी के लफ्ज़ बोल रहे हैं या जो भी जबान जहाँ से भी आपको लफ्ज़ मिल रहा है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टीवी पे क्या हो रहा है और ये फिल्म में क्या हो रहा है अखबारों में, तो वो तो एक सुविधा वाला मामला है, ऐसे सहूलत का मामला है, लेकिन वो धीरे धीरे हो सकता है कि आगे जाके हम इतने ज़्यादा करप्ट हो जाएँ कि उसी को मान लें जबान। देखिए ये बहुत बड़ा जी ये डिस्कशन, देखिए इस तरह के डिस्कशन किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते और न ही नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण किसी निष्कर्ष पर पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है ऐसी बहसों का, बल्कि ऐसी बहसों का होते रहना महत्वपूर्ण है कि समय समय पे इस तरह की बातें होती रहें। जैसा कि आपने कहा भी कि इसको कैसे रोकें, तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हम लिटरेचर से जुड़े रहें, साहित्य से जुड़े रहें, इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करते रहें, तो हम खुद ही जैसे आप बीमार होने के पहले अगर बीमार लोगों को बैठ रहे हैं और प्रिकॉशन जान ले रहे हैं दवाइयां पहले से या क्या क्या करने से क्या होता है, तो वही मामला लगभग के साथ भी है, वही सेम बातें हैं। तो अगर इस तरह की बातें, इस तरह के विमर्श और ऐसे लोगों के साथ, अगर ये यशवंत चक्रधर के साथ, फराज साहब के साथ हम लोग करते रहेंगे और बीच बीच में इंटरेक्शन आप फ़ोन पे भी इन लोगों से बातें कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर किसी तरह की कोई जिज्ञासा है तो। फराज साहब ने तो बिल्कुल पूरा एक स्कूल खोल रखा है ये शेर व शायरी का और भाषा का, तो बहुत ही किसी घबराहट की जरूरत नहीं कि कोई लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज को इनकार कर सकती है और आप अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं अपनी भाषा सुधार के, अपने घर में बच्चों को अपनी भाषा सिखा के कि किस तरह से हम भविष्य करें। और मेरे ख्याल से रजनी भी अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपका जो सवाल है जो आप पूछ सकते हैं बाद में, अभी बाहर पूछ लीजिएगा चक्रधर साहब भी। जी जी बिल्कुल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। नहीं आ रहा है वो, हम हिंदी के वेबसाइट भी चला रहे हैं अभी, कि हमारी अपनी हिंदी हिंदी नामा के नाम से हिंदी वेबसाइट भी शुरू होने जा रही है, मेरा तैयार हो गई तकरीबन 4-5 महीने में आ जाएगी। दुष्यंत कुमार हैं हमारे पास।